हेलो एनिमल लवर्स, आज हम डिजर्ट ऑफ ग्लटनी के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। इससे होगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो के अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रखा हूँ। और वीडियो को एक लाइक करके जो वीडियो की रीच है वो बढ़ा दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट और माइम थे वो कैरेज में बैठ के जा रहे होते हैं माइम के सिटी की तरफ। तभी जो हमारे प्रोटैगनिस्ट और माइम से कह रहा होता है तुम बहुत ही खाते हो, तुम्हें क्या पता है। तभी हम देख पाते हैं जो माइम है वो अपना खाना हमारे प्रोटैगनिस्ट को शेयर करती है। तभी जो हमारे प्रोटैगनिस्ट खाने को टेस्ट करता है और उस खाने को खाने लगता है। तभी देख पाते हैं दूसरे ही सीन में जो माइम है वो सो जाती है और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा होता है बहुत ही लेजी है, अभी की अभी सो गई खाना खा के। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं जो लेडी रॉक्सी और उसके टीम है वो आ चुके होते हैं विलेज में, जिस विलेज में हमारा प्रोटैगनिस्ट रहा था। उस विलेज में वो लोग जो लिच किंग है उसे खत्म करने के लिए आए होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है जो हमारा प्रोटैगनिस्ट उसने पहले ही हरा दिया होता है। तभी हम देख पाते हैं उनके पास जो एरोन है विलेज चीफ वो आता है और उनको बताता है मैं एरोन हूँ। तभी हम देख पाते हैं जो रॉक्सी का जो टीममेट था वो एरोन को देख के झुक जाता है और कहता है आप वही है ना जो होली नाइट जिसने मिलिट्री को सर्व किया था, आप रिटायर हो चुके हैं हमें पता है। तभी हम देख पाते हैं जो एरोन है वो लेडी रॉक्सी से मिलता है और उसे बताता है अपने बारे में और उसे बताता है उसी ने उसका नाम दिया होता है और वो उसका गॉडफादर है। तभी हम देख पाते हैं रॉक्सी को पता चलता है, लेकिन हम देख पाते हैं जो रॉक्सी उनको बताता है जो वो लोग यहाँ पे लिच किंग को ख़त्म करने के लिए आए होते हैं, लेकिन जो एरोन है उनको बताता है ये सुनने के बाद कि उसने और एक लड़के ने पहले ही लिच किंग को ख़त्म कर दिया, इस कैसल को फ्री कर दिया है लिच किंग के कब्जे से। तभी हम देख पाते हैं दूसरे ही सीन में तभी हम देख पाते हैं जो लेडी रॉक्सी है उसको बताती है तो फिर मैं यहाँ से सीधा गैले की तरफ निकल जाती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे गार्ड देना है। तभी हम देख पाते हैं ये सुनने के बाद जो एरोन था वो कह रहा होता है अगर तुम्हें वहाँ पे जाना तुम्हें बहुत ही स्ट्रांग बनना होगा। तभी हम देख पाते हैं जो एरोन है उससे कहता है अगर तुम चाहो तो मुझसे तुम ट्रेनिंग ले सकते हो। तभी हम देख पाते हैं जो लेडी रॉक्सी इस बात से मान जाता है। तभी हम देख पाते हैं वो लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो माइम के साथ माइम के जो विलेज वहाँ पे आ चुका होता है, जो उसका विलेज पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तभी हम देख पाते हैं जो माइम है हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे एक मॉन्स्टर उसे ख़त्म करना है। तभी हम देख पाते हैं जो माइम है वो अपने गाँव के सेंटर में एक ककून जैसा एक जैसा चीज के पास उसे लेके जाता है, कहता है उसके अंदर काइमेरा नाम का एक मॉन्स्टर है उसको तुम्हें खत्म करना है, उसको तुम सिर्फ तुम्हारे जो स्किल है सोल डिवाइडिंग की मदद से तुम इसे खत्म कर सकते हो क्योंकि एक ही डेडली सीन है जो 7 सीन में सबसे ताकतवर है, वो है सीन ऑफ ग्लटनी। तभी हम देख पाते दूसरे ही सीन में हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने अप्रेजर स्किल की मदद से उसको चेक करने लगता है इस ककून को, उसे पता चलता है बहुत ही पावरफुल है। तभी हम देख पाते जो माइन है उस जो काकून था उसके ऊपर हमला कर देता है। हम देख पाते हैं जो काकून के अंदर से एक लड़की निकलती है, ये देखने के बाद जो प्रोटैगनिस्ट सोचता है मैं उस लड़की को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन जो माइम था उसे बताने लगता है वो असल में काइमेरा है, वो असल में उसका कोर है, वो कोई लड़की नहीं है वो एक मॉन्स्टर है। तभी हम देख पाते जो लड़की थी वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है और जो उसका बॉडी था ह्यूमन बॉडी उसका कोर होता है। तभी हम देख पाते हमारा प्रोटैगनिस्ट हमले के लिए तैयार हो जाता है और जो माइम है उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जो मॉन्स्टर वो भी हमला कर देता है। तभी हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट और माइम और उस मॉन्स्टर के बीच लड़ाई को। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो मॉन्स्टर था वो अपनी रीजेनरेटिव एबिलिटी की मदद से फिर से अपने आप को हील कर लेता है। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है अपनी पावर को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिस वजह से जो माइम है वही फाइट को कंटिन्यू करती है। तभी हम देख पाते हैं दूसरे ही सीन में जो काइमेरा था अपनी पावर को अनलिश करता है जिसकी वजह से वो इवॉल्व होता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो माइम से कहता है मैं अपनी पावर को इस्तेमाल करता हूँ तुम बस मेरे लिए थोड़ा सा टाइम ये करो। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने ग्लटनी स्किल को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से वो बिजर्क हो जाता है लेकिन अपने पावर को कंट्रोल में लाता है। तभी हम देख पाते हैं जो माइम है वो अपने दोस्त कह रहा होता है क्या तुम्हारा हुआ, लेकिन हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट सक्सेसफुल होता है हाफ ग्लटनी बिजर्क को एक्टिवेट करने के वजह से। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने स्वॉर्ड को बो में तब्दील करने के बाद उसके ऊपर हमला करते हैं काइमेरा के ऊपर, जिसकी वजह से जो काइमेरा था वो स्टोन में तब्दील हो चुका होता है और जो अपना प्रोटैगनिस्ट उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है फाइनल, लेकिन वो रुक जाता है। इस मौके का फायदा उठा के जो काइमेरा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं जो माइम है वो कहता है वो अभी तक भागा नहीं है, तुम
बस तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें उसकी तरफ फेंकूंगा और अपना फाइनल ब्लू इस्तेमाल करके तुम उसे खत्म कर देना। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट तैयार हो जाता है और जो माइम है अपनी ताकत की मदद से हमारे प्रोटैगनिस्ट को काइमेरा की तरफ फेंक देता है। हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने बो को जो एक्स में तब्दील करता है, काइमेरा के ऊपर हमला करने के लिए चला गया होता है, लेकिन जो काइमेरा है हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक शील के अंदर बंद कर देता है और अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उस हमले से बच के जो हमारा फाइनल अटैक करता है काइमेरा के कोर के ऊपर, जिसकी मदद से हम देख पाते हैं जो एक्स है वो काइमेरा के दिल में लगा होता है, जिसकी वजह से जो काइमेरा डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। लेकिन हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो काइमेरा के जो मेमोरी है उसको देख पाता है, वो देख पाता है काफ़ी सारे लड़कियों को जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। उसे पता चलता है इस काइमेरा की पूरी सच्चाई को, जो बचपन में जो छोटे बच्चे थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इनको बनाया गया होता है। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देख पाते हैं दूसरे ही सीन में जो माइम है जो काइमेरा की बॉडी थे उसको एक ग्रेवयार्ड में दबा देता है। तभी हम देख पाते हैं उसके पास हमारा प्रोटैगनिस्ट आता है और उससे कहता है तुम्हें सब कुछ पता था ना पहले से ही। तभी हम देख पाते हैं जो माइम है वो कहता है हाँ वो मेरा दोस्त था और वो चाहता था वो मरे, इसीलिए मैंने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो माइम से एक फेवर लेने की कोशिश करता है, कहता है अगर मैं फ्यूचर में कभी भी बिजर्क हो जाऊँ और अपने आप पर से आपा खो दूँ तो तुम मुझे मार देना। तब ये बात सुनने के बाद जो माइम है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें मार दूंगा ऐसा अगर वक्त आया। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं जो माइम को अलविदा कह के हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ से निकल जाता है। जाने से पहले वो माइम को अपना जो न्यू पावर है वो दिखाता है, जिसके पावर की मदद से वो अपने जो स्वॉर्ड था उसे अब शील में भी बदल सकता है। तभी हम देख पाते हैं दूसरे ही सीन में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो फाइनली आ चुका होता है गैलिया में। हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट गैलिया का जो सिटी था उसके अंदर जाता है। तभी हम देख पाते हैं वहीं पर काफ़ी सारे होली नाइट आ जाते हैं और अपने लीडर के लिए रास्ता क्रिएट कर रहे होते हैं। तभी हम देख पाते हैं ये लीडर और कोई नहीं जो लेडी रॉक्सी है वो होती है। तभी हम देख पाते हैं उन सभी लोग जो लेडी रॉक्सी है उनको देख के चेयर करने लगते हैं, और प्रोटैगनिस्ट को लेडी रॉक्सी को देखता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देख पाते एक लड़की को जो कैरी होती है उन सभी लोगों के बीच में से, लगता है लेडी रॉक्सी को मारने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ इसी सस्पेंस के साथ जो हमारा एपिसोड है वो भी ख़त्म होता है।